हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ यूपी का मशहूर भगोसा। यह टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले भिगोई हुई चने की दाल ले लेंगे। यहाँ मैंने आधा कप चने की दाल लिया है, जिसे 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, और साथ ही में 2 टेबलस्पून उड़द की दाल को भी 6 घंटे के लिए भिगो कर ले लिया है। इसके बाद एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और इसमें दोनों दालों को डाल देंगे। दोनों दालों का पानी छान कर निकाल दें, उसके बाद इन्हें ग्राइंडर जार में डालें। साथ में 2 इंच की अदरक डाल देंगे, 3 हरी मिर्च डाल देंगे। अब इन सभी को पीस लेंगे। पीसते समय 1-2 टेबलस्पून पानी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। दाल का पेस्ट बिल्कुल रेडी है, ये देखिए, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। पीसते समय पानी का ध्यान रखना है, अगर फिर भी आपका बैटर गीला हो जाए तो इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लें। अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से दाल के साथ मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इसके बाद एक पैन में पानी डाल देंगे। पानी भर कर डालना है, पानी कम नहीं होना चाहिए उबालते समय। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और अब इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम फरा बना लेंगे। तो सिंपल, हम जो रोटी के लिए आटा यूज़ करते हैं वही आटा लिया है मैंने। आटे की छोटी सी लोई ले लेंगे और इसे ऐसे पतला रोटी की तरह बेल लेंगे। अब इस पर दाल की जो स्टफिंग बनाई है वो रख देंगे। इसे हल्का प्रेस करते हुए आधे हिस्से पर फैला लेंगे। स्टफिंग की क्वांटिटी थोड़ी ठीक ठाक रखें, तभी खाने में मज़ा आएगा। अब इसके किनारों पर पानी लगा देंगे और अब इसे फोल्ड करके ऐसे बंद कर देंगे। किनारों को अच्छे से दबाकर सील करना है, ताकि पानी में डालने के बाद यह खुले ना। आप चाहें तो फोक से भी दबाकर बंद कर सकते हैं, उससे डिज़ाइन भी आ जाएगी किनारों पर। ये देखिए, फारा बिल्कुल रेडी है। अब एक और फारा बना लेते हैं। स्टफिंग रखने के बाद किनारों पर अच्छे से पानी लगा देंगे, इसे फोल्ड करके बंद कर देंगे और इस बार इसे हम थोड़ा सा डिज़ाइन देकर डबल लॉक करेंगे। ऐसे उंगली की मदद से इसे हल्का हल्का फोल्ड करते जाएं, तो इसमें डिज़ाइन भी बनती जाएगी और ये डबल लॉक हो जाएगा। ये देखिए, यह अच्छे से डबल लॉक हो गया है। सो आपको जैसा पसंद हो आप अपने हिसाब से इसे बना लें और सारे फरा बना के रेडी कर लें। ये देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें जो हमने फरा बनाए हैं वह डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखना है। फरा डालते समय भी जो पानी में उबाल आ रहा है वह उबाल आते रहना चाहिए, वह कम नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद ये सारे फरे अपने आप ऊपर आ जाएंगे। इन्हें 10 मिनट के लिए पकने दें बिना टच किए हुए। 10 मिनट बाद इन्हें पलट लेंगे और वापस से इन्हें 10 मिनट के लिए और पकने देंगे। पैन में पानी बिल्कुल भर कर लेना है और पानी उबलता रहना चाहिए। इन दो बातों का ध्यान रखना है, तभी यह अंदर तक अच्छे से पकेंगे। अगर आपने बड़ा बर्तन यूज़ किया है तो आप उसे आधा ढक भी सकते हैं, इससे थोड़ा जल्दी पक जाएगा। लगभग 20 मिनट बाद सारे फरे अच्छे से पक गए हैं। इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है, इन्हें थोड़ी देर के लिए रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये देखिए, फारा हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसे पीसेस में कट कर लेंगे। छोटा बड़ा आपको जैसा साइज़ पसंद हो आप अपने हिसाब से कट करें। जो दाल की स्टफिंग है वो भी अच्छे से पक गई है। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ, या अच्छे से पक गए हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। इसी तरह सारे फरों के पीसेस कट कर लेंगे। इसके बाद सारे फरे के पीसेस को तड़का दे देंगे। तड़का देने के बाद यह और बढ़िया लगते हैं। एक पैन में थोड़ा तेल ले लेंगे, इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच राई डाल देंगे, 2 कटी हुई मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और अब इन सभी को चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें सारे पीसेस डाल देंगे और इसे अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोहे की, एल्युमिनियम की या ऐसे स्टील की कढ़ाई यूज़ कर रहे होंगे तो यह फारे थोड़े चिपकेंगे। आप चाहें तो नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं।
इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़क देंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ यूपी के मशहूर भगोसा बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें हरी चटनी के साथ या इसे ऐसे भी खाएं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।